नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आंखें प्रकृति का ऐसा वरदान है जिनसे हम प्रकृति की सुंदरता को और ईश्वर की कृपा को महसूस कर पाते हैं। आंखें प्रकृति की सबसे बड़ी देन मानी जाती हैं, लेकिन जब इन्हीं आंखों में समस्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो जिंदगी रंगहीन हो जाती है। आंखों की समस्या के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और आंखों की समस्या को कैसे दूर करें, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 10:19 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 3:39 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, सूर्य और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बुध, बृहस्पति मेष राशि में। केतु कन्या राशि में। चंद्रमा, मंगल और शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम आज आपको बताएंगे कि आंखों से किन ग्रहों का संबंध होता है और कौन से उपाय करके आंखों की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आंखों के रोग का ज्योतिष और ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, आंखें मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि है, सबसे अमूल्य चीज है। ये व्यक्ति को दुनिया और लोगों से परिचित करवाते हैं। आंखों का ज्योतिष में 2 ग्रहों से संबंध माना जाता है, वो 2 ग्रह जो प्रकाश के ग्रह माने जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा से आंखों का सीधा संबंध माना जाता है। इसके अलावा शुक्र को भी नेत्रों से आंखों से संबंधित मानते हैं, हालांकि शुक्र आंखों के लेंस का मालिक होता है। सूर्य और चंद्रमा आपकी आई साइट के मालिक होते हैं। कुंडली का 2रा भाव और 12वां भाव, ये दोनों भाव आंखों के होते हैं। 2रा भाव आंखों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। 2रा भाव और सूर्य ये दाहिनी आंख से संबंध रखते हैं, राइट आई से, और 12वां भाव और चंद्रमा ये बाई आंख से, लेफ्ट आई से संबंध रखते हैं।
तो सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों से कनेक्ट करते हैं, आपकी आंखों से संबंध रखते हैं, और शुक्र आपकी आंखों के लेंस से पूरी तरह से संबंध बनाए रखता है। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, कारोबार में आपको लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक समस्या हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का अगर जप कर लें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। देखिए, आँखों की समस्या दो तरह की है, एक सामान्य समस्या है कि आपको चश्मा लग गया, नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई, बहुत जनरल बात है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आँखों का पावर बढ़ता जा रहा है, रोशनी गिरती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है, तो आँखों की समस्या होती कब है? दूसरे या द्वादश भाव में, दूसरे या बारहवें भाव में अगर पाप ग्रह हों तो आंखों में समस्या होती है। सूर्य या चंद्रमा के कमजोर होने पर भी आंखों में समस्या हो जाती है। शुक्र और सूर्य का संबंध बनेगा तब भी नेत्र ज्योति कमजोर होगी, आंखों की रोशनी कम होगी। शुक्र अगर ज्यादा कमजोर हो तो कम उम्र से ही लेंस को बेहतर करने के लिए चश्मा लग जाता है। सूर्य अगर खराब हो, कमजोर हो तो चश्मा लगेगा, सूर्य अगर खराब हो तो ग्लूकोमा हो जाता है, आंखों की रोशनी परमानेंट जाने की संभावना रहती है। शुक्र अगर खराब हो तो एक आंख की रोशनी चली जाती है, ऐसा देखा गया है, और कभी कभी शनि मंगल के संबंध से दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं, दुर्घटना में आंखों की स्थिति बिगड़ जाती है। आंखों से मंगल का अगर संबंध आ गया तो ये आंखों की सर्जरी जरूर करवाता है। ऐसा देखा गया है कि मंगल शनि का संबंध हो तो आंखों में चोट लगने की या आंखों में डैमेज होने की या आंखों में भयंकर दिक्कत होने की संभावना किसी एक्सीडेंट के माध्यम से या किसी दुर्घटना के माध्यम से बन जाती है। सिंह राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, परिवार में खुशहाली आएगी,
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। इस समय पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अगर आपकी आईसाइट कमजोर है, आंखों में पावर है और आंखें कमजोर हैं, उसके लिए क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। कच्चे गाजर, हरी सब्जियों के सलाद का प्रयोग करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करिए और नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करिए। त्राटक क्या होता है? किसी आयुर्वेद के विद्वान से आप समझ सकते हैं। एक सफ़ेद कागज पर हरे रंग का या काले रंग का एक बिंदु बनाते हैं और दोनों आँखों से उस बिंदु पर ध्यान करने की कोशिश करते हैं। खाली पेट बिल्कुल मत रहिए। खाली पेट रहने का भी बुरा प्रभाव आपकी आंखों पर पड़ता है और नाखूनों को अपने दांतों से मत काटिए, क्योंकि ऐसा करने से भी आंखें कमजोर होती हैं, ऐसा देखा गया है। आंखें अगर कमजोर हो रही हैं, मात्र उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से, सूर्य की रोशनी में बैठने से और खान पान में थोड़ा परिवर्तन करने से आँखों का बढ़ता हुआ पावर बहुत हद तक कम हो जाता है। धनु राशि, विवाह तय हो सकता है। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार का सहयोग बना रहेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें।
लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो, मंगल शनि का संबंध हो, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो, अगर ऐसा है तो आँखों की रोशनी जा सकती है पूरी तरीके से। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो कौन सा उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। नियमित रूप से चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करिए। बहुत ही अद्भुत स्तुति है प्रकाश के लिए, आँखों के लिए। चाक्षुषी स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक हीरा धारण करिए। हर शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आँखों की रोशनी अगर जाने की संभावना हो तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करना या आज्ञा चक्र को कंट्रोल करने से बहुत फायदा होता है। दोनों भावों के बीच का जो स्थान है वो आज्ञा चक्र है। आंखें बंद करके उसी चक्र पर, उसी बिंदु पर निरंतर देखने का प्रयास करें, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो बाकी तो फायदे जो होंगे बहुत सारे होंगे, लेकिन आँखों की रोशनी में जो गिरावट आ रही है उस समस्या से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, हम आँखों की बात कर रहे हैं। आँखों के मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है सूर्य, और सूर्य की गड़बड़ी कहीं ना कहीं आँखों को प्रभावित करती है। सूर्य सर दर्द का स्वामी भी होता है, इसीलिए आप देखिए जब आँखें ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं तो सर में दर्द की शिकायत भी पैदा हो जाती है। यानी अगर कुंडली में सूर्य प्रभावित है, सूर्य नकारात्मक स्थिति में है, तो आँखों में दिक्कत आने की संभावनाएँ ज़रूर बनेंगी। दूसरी बात, शुक्र जो है वो आँखों की लेंस का मालिक होता है। रेटिना में या आँखों के लेंस में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए शुक्र जिम्मेदार होता है, और शुक्र के गड़बड़ होने पर अक्सर एक आँख की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है और केवल एक आँख ही आपकी बेहतर रह पाती है। यानी शुक्र भी नेत्रों में समस्या पैदा करता है, लेकिन ज़्यादातर एक आँख में ज़्यादा दिक्कतें दे देता है। और अगर शुक्र गड़बड़ होता है तो आम तौर पर बढ़िया लेंस लगा करके या आँखों के लेंस का ऑपरेशन करके इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो सूर्य के बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर आँखों की समस्या को झेलना पड़ता है, लंबे समय तक उसका समाधान नहीं निकल पाता। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अवसाद की, डिप्रेशन की समस्या रहती हो तो नियमित रूप से नाश्ते में केले का सेवन करें। अगर आप नियमित रूप से केले का सेवन करें, आपका डिप्रेशन, आपका अवसाद दूर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 6 अप्रैल शनिवार को प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा।
इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। ऐसा अगर सुबह सुबह या दिन के समय में कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।